हेलो, गुड आफ्टरनून। तो आज की हमारी जो पेंटिंग है वो हम बनाएंगे पेन कैप इम्प्रेशन से। हम आज की पेंटिंग बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को कोई भी पिक्चर ड्रॉ करके देनी है। जैसे मैंने ड्रॉ की हुई है एक फिश, और आप अपने बच्चों को कोई भी पिक्चर, ऐसी एप्पल की हो, बनाना, कोई भी फ्रूट्स हो, या कोई ट्री हो, कोई भी एक पिक्चर ड्रॉ करके देनी है, और फिर वाटर कलर के साथ एक पेन कैप देना है। अच्छा, ये वाली पेंटिंग पेन कैप से भी बन सकती है, ये बॉटल कैप से भी बन सकती है। तो ये पेन कैप का इम्प्रेशन हमें लेना है। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ करने के बाद वाटर कलर बच्चों को दे देंगे, और पेन कैप इम्प्रेशन से इस फिश को कंप्लीट करेंगे। देखिए, आप डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, पेन कैप के साथ दो तरह से हो रही है ये। एक में बबल बन के पूरा इसके ऊपर इंप्रेशन आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, जैसे हमने एक कलर से दो लाइनें की हैं, अब हम डिफरेंट कलर यूज करेंगे। अब नेक्स्ट कलर में हमने ग्रीन लिया है, ये देखिए। और इस तरह से ये फिश और ये देखिए, फाइनली ये पेन कैप के द्वारा मैंने फिश को कंप्लीट किया है। और जो पीछे का पार्ट है, अब हम इसके लिए स्केच पेन का कैप लेते हैं। स्केच पेन का कैप लेने के बाद हम इसको बड़ा बड़ा ये देखिए, इससे क्या होगा, बच्चों का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है उस पे भी फर्क पड़ेगा। और जो हाथों की मांसपेशियाँ होती हैं, छोटे बच्चों की हाथों की मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, तो उनको स्ट्रांग बनाने के लिए भी इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत हेल्पफुल होती हैं छोटे बच्चों के लिए। कलर की पहचान, हाथों की मांसपेशियों की मजबूती और इंटरेस्ट, ये सभी चीज़ें छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी पेंटिंग तैयार हो गई है। अब हम अच्छा, अरे हाँ, ये यहाँ भी रह गया है थोड़ा सा, आप यहाँ भी, और इस तरह से ये कंप्लीट। है ना प्यारी, छोटे बच्चों के लिए बहुत इजी मेथड है ये, और थोड़ा सा एंगेज भी रहेंगे बच्चे, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। स्पेशली घर पे आप बच्चों को ये बहुत आसानी से करा सकती हैं अपने बच्चों के लिए ये एक्टिविटी, और बच्चे बहुत मज़े के साथ खेल खेल में इन सब ड्राइंग वाली एक्टिविटीज को, वैसे भी बच्चे बहुत खुश
खुशी से करना चाहते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है ड्राइंग करना। मेरी क्लास में भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ड्राइंग करना, एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि ड्राइंग ना हो। मैं भूल भी जाऊँ तो भी मुझे याद दिलाते कि मैं ड्राइंग नहीं कराई आज, या आज हमें कुछ नया बनाना नहीं सिखाया। तो आप भी इस तरीके से अपने बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। जो छोटे बच्चे LKG में जिनके जिनका एडमिशन हुआ है उनके लिए शुरू शुरू में बच्चों को जो ये ग्रिप होती है ना, पेन पकड़ने के लिए जो ग्रिप की ज़रूरत होती है, वो भी इन सब इस तरह की एक्टिविटीज़ से वो मजबूत होती है बच्चों की। तो आई होप